नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे TTML के बारे में। इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, आज हमें काफी दिन आप बोले तो लगातार गिरावट के बाद जो है इसमें काफी अच्छी जो है मार्केट बंद होते होते तेजी देखने को मिली और अपर सेगमेंट भी हमें इसमें आज मार्केट बंद होते होते देखने को मिला है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये हमें आज के दिन तेजी देखने को मिली है, ये तेजी होने का क्या रीजन है और साथ में जो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, कैसे क्या इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट रहे और इसका कैसा इम्पैक्ट इस शेयर पर हमें देखने को मिलेगा, रिजल्ट अच्छे हैं ये हैं या खराब है और इसका कैसे ये शेयर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं आपको बताएंगे और इसके अलावा जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी बातें जानने के लिए आप बस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और जो है अब बात करते हैं कि कैसे क्या हमें इसमें ट्रेड देखने को मिली है आज के दिन TTML में। तो अगर आप देखें आज का रात उसमें 156 पर ओपनिंग देखने को मिली थी और ओपनिंग आप देखिए इसमें हमें लोअर सर्किट भी देखिए काफी देखने को मिला और उसके अलावा देखिए लगभग 3 बजे के बाद काफी अच्छी तेजी आई और इसमें देखिए फिर हमें अपर सर्किट देखने को मिला है, मतलब कि देखिए तो ऑलमोस्ट ये जो है आज गिरावट में देखने को मिला लेकिन लास्ट के आधे घंटे में काफी अच्छी हमें इसमें रिकवरी देखने को मिली और अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली है लगभग 167.30 रुपीज पर हमें आज इसमें जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसमें 1 वीक में कैसा क्या हल रहा है, तो 1 वीक में देखिए तो लगभग 5.19% की तेजी और 1 मंथ में लगभग 5% के आसपास के हमें जो है इसमें ट्रेंड्स देखने को अभी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे क्या अनाउंस हुए, उसके बाद देखेंगे कि इसके आगे के कौन से जो है टारगेट रह सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसके रिजल्ट, तो रिजल्ट पे हम आ चुके हैं, तो हम जो है इसमें कंपेयर करेंगे मार्च वाले क्वार्टर को दिसंबर वाले क्वार्टर से और साथ में जो है लास्ट ईयर के अपने मार्च वाले क्वार्टर से जो है हम कंपेयर करने वाले हैं और जितने भी आंकड़े हैं वो अपने करोड़ में रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इनकम की कैसी क्या रही है। देखिए अगर आप देखें टोटल इनकम हमें क्वार्टर फोर में 277 करोड़ की देखने को मिल रही है जो कि अपना दिसंबर में 285 करोड़ की देखने को मिल रही थी और लास्ट मार्च में जो है ऑलमोस्ट 267 करोड़ की हमें इसमें इनकम देखने को मिल रही है, मतलब कि लास्ट मार्च से तो उन्होंने काफी अच्छी इनकम में बढ़ोतरी दिखाई है लेकिन जो है अपने जो दिसंबर वाले क्वार्टर था दिसंबर वाले क्वार्टर से थोड़ा सा ये पीछे हमें देखने को मिला है टोटल इनकम में। एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस हमें लगभग 152.43 करोड़ रुपए के देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा जो अपना दिसंबर वाला क्वार्टर था उसमें इनके एक्सपेंस 167.61 करोड़ के देखने थे और मार्च वाले क्वार्टर में लगभग 140.94 करोड़ के हमें इनके अपने देखने को मिले थे एक्सपेंस, मतलब कि एक्सपेंस में जो है इनकी मार्च वाले क्वार्टर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर से इनमें एक्सपेंस भी इनका कम हुआ है, मतलब कि अब देखिए एक्सपेंस कम किया है तो ऑब्वियसली आता है इनकी इनकम भी हमें कम देखने को मिल रही है क्योंकि कम खर्च करेंगे तो इनका इनकम भी हमें कम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा क्या देखने को मिला, तो देखिए लॉस जो है बिफोर टैक्स जो है लगभग 280.62 करोड़ का देखने वाला है, मतलब कि कंपनी अभी भी इस क्वार्टर में लॉस दर्ज करती हुई देखने वाली है लेकिन अच्छी बात जो मेन देखने को मिल रही है कि इनका अगर आप देखें तो अपना दिसंबर वाले क्वार्टर में 302 करोड़ का लॉस था, मतलब कि इसमें इनका जो है लॉस काफी हद तक कम हुआ है। साथ में लास्ट ईयर के मार्च में भी इनका जो लॉस था वो 288.29 करोड़ का था, मतलब कि इसमें भी कंपनी हमें आगे देखने को मिल रही है, मतलब कि प्रॉफिट जो है इनका थोड़ा सा बोले तो बड़ा है अगर कंपेयर करें दिसंबर वाले क्वार्टर से और लास्ट ईयर के मार्च वाले क्वार्टर से, मतलब कि अगर आप देखें तो लॉस में कभी कंपनी अभी भी है इस क्वार्टर में लेकिन लास्ट क्वार्टर थ्री से और लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर से दोनों में कंपनी जो है आगे हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लगभग 280 करोड़ के आसपास का जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो लॉस है, मतलब माफ कीजिए लॉस कहेंगे इसको, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, 280 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में है, साथ में 302 करोड़ का क्वार्टर फोर में था और 288 करोड़ का इनका लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में हमें देखने को मिला था। और अब बात करें इनके अर्निंग पर शेयर कैसी क्या देखने को मिल रही है, तो अर्निंग पर शेयर देखिए तो लगभग 1.44 मतलब कि 1.44 रुपए की हमें माइनस में देखने को मिल रही है इस क्वार्टर थ्री फोर में और लास्ट क्वार्टर थ्री में जो थी अपनी समय वाले क्वार्टर में वो 1.55 रुपए की हमें निगेटिव में देखने को मिली थी अर्निंग पर शेयर और साथ में जो है लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में 1.47 रुपए हमें इनकी अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही थी, मतलब कि अर्निंग पर शेयर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ऑब्वियसली बात है कि इनका रिजल्ट हमें अगर कंपेयर किया जाए कि क्वार्टर थ्री से तो काफी अच्छे में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू क्वार्टर फोर लास्ट ईयर के, उसमें भी हमें ये कंपनी आगे जाती हुई देखने को मिल रही थी, कंपनी ने जो है काफी अच्छा जो है अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस दिखाया है इस क्वार्टर फोर में और इसका जरूर इस शेयर पर हमें इम्पैक्ट अच्छा देखने मिलने वाला है और कंपनी में काफी अच्छी हमें बढ़ोतरी शेयर प्राइस में देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसमें तेजी हमें क्यों देखने वाली, क्या रीजन तेजी का हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर आप देखें इसके जो मेन रीजन देखने को मिल रहा है वो इनके एक तो रिजल्ट
क्योंकि रिजल्ट इनके 2:40 पर अनाउंस हो गए थे, और 2:40 के बाद अनाउंस होने के बाद इसमें एकदम से जो है देखें तो 3 बजे के बाद अच्छी सेलिंग बाइंग देखने वाली सेलिंग जो थी वो कम हो गई और सीधे जो है इसमें बाइंग प्रेशर में बढ़ता हुआ देखने वाला। और उसी का देखिए जो रिजल्ट है लगभग 19,01,760 शेयरों का हमें इसमें देखिए बाइंग साइड पर ऑर्डर देखने वाला है। तो मेन जो है रिजल्ट का काफी बड़ा इंपैक्ट हमें देखने वाला है, और साथ में जो रिजल्ट के साथ वॉल्यूम बढ़ा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिल रहा है इस शेयर में अपना बाइंग प्रेशर बढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट देखिए वॉल्यूम आज 1,03,46,743 शेयरों का हमें इसमें आज देखे तो वॉल्यूम देखने को मिला है, और लगभग 36.65% शेयरों की हमें डिलीवरी भी आज देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, कहाँ पर आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप देखें तो सबसे मेन जो इसका लेवल अभी मुझे देखने को मिल रहा है वो 167.40 का, क्योंकि अगर इसको ऊपर चलना है तो इस लेवल के ब्रेक होने का बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि ये आपका लेवल जो है ब्रेक हो जाए, क्योंकि आपका ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये जो शेयर है इस रेंज में मिल रहा है 167.40 से लेके 146.55 इस रेंज में आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप जरूर इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए काफी अच्छा आपको जो है इसमें मौका मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी बाइंग कर ली तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा चांस है कि ये शेयर आपको बहुत जल्दी फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। और बात करें इसके लेवल्स की तो देखिए आपका जो टारगेट है इसमें वो हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट रहने वाला है कौन सा 180 का हमारा रहेगा टारगेट नंबर 180 के बाद हमारा टारगेट नंबर 189.70 और देन आपका मेन जो टारगेट है हमारा 202 का रहेगा। ठीक है, हमारे ये आगे कौन से 3 टारगेट है 180, 189.70 और आपका 202 रुपए का फिर टारगेट नंबर 3 जाने वाला है। तो आपको अगर इस शेयर को आगे बढ़ना है, इस शेयर को अगर ऊपर जाना है तो इन 3 लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और खास करके 202 रुपए जो आपका लेवल है इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी जाके ये आपका 225 और 290 का लेवल आराम से अचीव कर सकता है। तो देखिए काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं और इसका जरूर काफी अच्छा इंपैक्ट देखने मिलेगा, और उसका काफी अच्छा इंपैक्ट आज भी हमें देखने को मिल गया है, और हो सकता है कि कल के दिन आपको इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग इसको होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले भी होल्ड करेंगे एंड लॉन्ग टर्म वाले भी इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखेंगे, और जिनको बाई करना है वो भी अभी इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है तो ये शेयर फिर से हमें रॉकेट बनते हुए देखने को मिलने वाला है। साथ में जो लोग लॉस में तो उनको तो होल्ड ही करना है, मैंने आपको लगातार होल्ड करने को बोला, जब ये 93 पर भी पहुंच गया था तब भी मैंने जो लोग लॉस में थे उनको होल्ड करने को बोला था, और देखिए इसने काफी अच्छा आपको लॉस जो है रिकवर भी किया है। तो इसलिए जो लोग भी लॉस में है वो अभी भी इसको होल्ड ही करेंगे, और जो लोग प्रॉफिट में है और लॉन्ग टर्म में पैसा लगाए हुए वो लोग अभी इसको होल्ड कर लें, और शॉर्ट टर्म वाले भी इसमें अपनी होल्डिंग बनाकर रखेंगे, और जिनको बाई करना है तो बाई मैंने आपको इस रेंज में करने को बोला था, और आपने अगर बाइंग कर ली तो काफी अच्छी बात है, आप इसमें भी अपना होल्डिंग बना के रख सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी इंप्रूव की है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा सुधरा है, और उसी का जो है रिजल्ट है कि कंपनी ने क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लॉस में है कंपनी लेकिन लॉस को काफी हद तक कम करने में कंपनी कामयाब रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये रहेंगे लेवल, आपका टारगेट कौन सा है नोट कर ले 189.70 एंड 202 आपके ये आगे के 3 मेन टारगेट रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहीं तक ये थे लेवल और यहीं तक वीडियो को हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपना प्यारा बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।